मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स टुडे इज़ आवर जीके क्लास। आज हमारी जीके की क्लास है और आज हम पढ़ेंगे जीके का लेसन नंबर 20। हम पढ़ेंगे इसमें यूनिक बर्ड्स। यूनिक मतलब कि जो एक ही होते हैं, ठीक है, मतलब इनके जैसा कोई नहीं होता, तो इनको बोलते हैं यूनिक बर्ड्स। आज हम बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। दीज बर्ड्स आर नॉट सो कॉमन। ये जो बर्ड्स होते हैं ये कॉमन बर्ड्स नहीं है, जैसे कि स्पैरो है। हम तो बहुत तरह के स्पैरोज हमें देखने को मिलती हैं, है ना, बट ये जो स्पेशल स्पैरोज हैं, ये जो स्पेशल बर्ड्स हैं, ये बहुत कम देखने को मिलते हैं, ठीक है। और एंड हैव वेरी यूनिक फीचर्स। इनकी जो फीचर्स हैं यानी कि इनके जो गुण हैं वो भी बहुत अलग होते हैं, मतलब ऐसा कोई नहीं करता, बट ये वाले बर्ड्स ऐसा करते हैं। क्या करते हैं वो हम अभी इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। द फर्स्ट वन इज लुक एट द पिक्चर। पिक्चर को देखो बेटा ध्यान से, इसमें क्या हो रहा है। यहाँ पर जो बर्ड है वो एक ट्री के ऊपर है, ठीक है। ये क्या करता है, इसकी जो ये नुकीली चोंच है, ठीक है, बीक है इसकी जो ये नुकीली, इससे ये इसके अंदर क्या करता है, होल करता रहता है बार बार, इसको जो वुड है इसकी उसको वो पीक करके तोड़ता रहता है, ठीक है। तो ये देखो क्या लिखा है, इट यूजेस इट्स बीक। ये जो पक्षी है, ये जो बर्ड है, ये अपनी बीक का यूज़ किस लिए करता है, टू मेक होल्स इन ट्रीज। तो ये जो चोंच है अपनी इस पेड़ में होल करने के लिए यूज़ करता है, और ऐसा सिर्फ यही बर्ड करता है, और कोई बर्ड अपनी चोंच से वुड में होल नहीं करता, ठीक है। तो इस बर्ड का नाम क्या है, वुड पैकर। देखो इसका नाम भी उसी से रखा, वुड मतलब लकड़ और पैकर मतलब कि जो होल करने वाला है, ठीक है। वुड पैकर मतलब एक ऐसा पक्षी जो वुड में होल कर दे, वो है वुड पैकर, ओके। द नेक्स्ट वन, इट इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। अब नेशनल बर्ड, हर कहीं किसी का अपना नेशनल बर्ड है, जैसे कि हमारा इंडिया का नेशनल बर्ड क्या है, पीकॉक। ऐसे ही ये जो बर्ड है ये यूनाइटेड किंगडम का नेशनल बर्ड है। अब पीकॉक क्या है, पीकॉक भी तो यूनिक बर्ड है, एक ही बर्ड है, तो जो नेशनल बर्ड्स होते हैं वो भी यूनिक ही होते हैं, ठीक है। तो यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके का नेशनल बर्ड क्या है, रॉबिन। इसका नाम क्या है, रॉबिन, ओके। द नेक्स्ट वन इज इट इज अ फ्लाइटलेस बर्ड नेटिव टू न्यूजीलैंड। फ्लाइटलेस का मतलब है कि ये एक ऐसा पक्षी है जो बहुत कम उड़ता है, ठीक है। फ्लाइटलेस नाम के मात्र ही उड़ता है, मतलब उड़ता ही नहीं है, जमीन पर ही चलता रहता है, धीरे धीरे फुदक फुदक के चलता रहता है, ठीक है। और ये कहाँ से बिलोंग करता है, न्यूजीलैंड से। और ये क्या है, इसका नाम कीवी। क्या है इसका नाम, कीवी। कीवी एक ऐसा बर्ड है जो कि फ्लाइटलेस है। सभी पक्षी तो पर उड़ते हैं, ऑल द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, बट द कीवी बर्ड इज फ्लाइटलेस बर्ड, ओके। द नेक्स्ट वन इज दिस बर्ड कैन ईट ओनली व्हेन इट्स बिल इज अपसाइड डाउन। ये एक ऐसा बर्ड है कि जब ये कहाँ से खाना खाता है, द बर्ड कैन ईट, ये तभी खाना खाता है, ओनली वैन इट्स बिल इज अपसाइड डाउन, जब इसकी जो बिल है यानी कि जो लेग टाइप है ये ऊपर की तरफ रखता है और इसकी चोंच अंदर की तरफ जाती है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, फ्लेमिंगो। क्या है इसका नाम, फ्लेमिंगो, ओके। द नेक्स्ट वन इज दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बर्ड। वर्ल्ड का यानी कि पूरे सभी कंट्रीज का, ठीक है, सभी कंट्रीज में पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट बर्ड, सबसे बड़ा पक्षी कौन है, ऑस्ट्रिच। इसको हिंदी में शुतुरमुर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच, ठीक है। इसका नाम है ऑस्ट्रिच और ये लार्जेस्ट बर्ड है। कार्टून्स में भी कई बार देखा होगा ना ऑस्ट्रिच के बारे में, ओके। द नेक्स्ट वन इज, द नेक्स्ट इज दिस बर्ड वेज लेस देन अ रूपी कॉइन। अब ये जो बर्ड है इसका जो वेट है बेटा जी वो इतना कम है, जैसे कि आप 1 रुपीज़ का कॉइन लेते हो ना, इसका वेट उससे भी कम है। 1 रुपीज़ का कॉइन कितना होता है, बहुत हल्का सा होता है ना, ऐसे ऐसे तो आप 10-15 कॉइन्स भी अपने साथ में लेके जा सकते हो, बट इस बर्ड का जो वेट है यानी कि जो वज़न है वो 1 रुपी के कॉइन से भी लेस है, उससे भी कम है, मतलब इतना हल्का सा बर्ड है ना ये। तो ऐसा बर्ड भी अकेला यही है, और इसका नाम है हमिंग बर्ड। क्या नाम है इसका, हमिंग बर्ड। देखो ह एच यू ह मिंग म हम इंग आई एन जी इंग और बर्ड हमिंग बर्ड, ठीक है। तो हमने कौन कौन से बर्ड्स के बारे में पढ़ा, वुडपैकर। वुडपैकर क्या करता है, वुड में हॉल करता है। रॉबिन यूके का नेशनल बर्ड। कीवी फ्लाइटलेस बर्ड। फ्लेमिंगो जो अपने
खाने का उसका स्टाइल है. ओके, ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट बर्ड एंड हेमिंग बर्ड इज द वेरी वेटलेस बर्ड. ओके बेटा, तो अब आपको इसको समझना है और अपनी बुक में फिल करना है. ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय.